देखिए, सुशासन और कुशासन की लड़ाई चल रही है और जिन लोगों ने बिहारी शब्द को बदनाम किया, बिहारी शब्द को गाली बनाया, बिहारी के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया, बिहार को बर्बाद किया अपराध और भ्रष्टाचार से, ऐसे मानसिकता को जवाब देने का यही समय है, सही समय है। और राजद के लोग हमेशा अपराध और भ्रष्टाचार को पोषित करता है, बढ़ावा देता है। एनडीए गठबंधन सुशासन की लड़ाई लड़ता है, सबका साथ सबके विकास की बात करता है, न्याय के साथ विकास की बात करता है। और इसमें एनडीए की भारी बहुमत से जीत होगी, क्योंकि एनडीए केंद्र और राज्य में सरकार में है। हमारा जब कैंडिडेट जीतेगा तो विकास की गति भी बढ़ेगी, अपराध पर लगाम भी लगेगा, भ्रष्टाचारी को सजा भी मिलेगा। सर, रुपौली विधानसभा जो है हमेशा से अपराध और बाहुबलियों का रहा है, इसी से बिहार को बदलाव की जरूरत है। और उस अपराध मुक्त बिहार का नींव रुपौली की धरती पर रखा जाएगा, क्योंकि जो उम्मीदवार है एक शरीफ सज्जन, एक शिक्षक, ऐसे लोगों को हर समाज के शरीफ सज्जन लोग आशीर्वाद देंगे और एक नई बदलाव की शुरुआत होगी। देखिए, सुशासन और कुशासन की लड़ाई चल रही है और जिन लोगों ने बिहारी शब्द को बदनाम किया, बिहारी शब्द को गाली बनाया, बिहारी के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया, बिहार को बर्बाद किया अपराध और भ्रष्टाचार से, ऐसे मानसिकता को जवाब देने का यही समय है, सही समय है। और राजद के लोग हमेशा अपराध और भ्रष्टाचार को पोषित करता है, बढ़ावा देता है। एनडीए गठबंधन सुशासन की लड़ाई लड़ता है, सबका साथ सबके विकास की बात करता है, न्याय के साथ विकास की बात करता है। और इसमें एनडीए की भारी बहुमत से जीत होगी, क्योंकि एनडीए केंद्र और राज्य में सरकार में है। हमारा जब कैंडिडेट जीतेगा तो विकास की गति भी बढ़ेगी, अपराध पर लगाम भी लगेगा, भ्रष्टाचारी को सजा भी मिलेगा। सर, रुपौली विधानसभा जो है हमेशा से अपराध और बाहुबलियों का रहा है, इसी से बिहार को बदलाव की जरूरत है। और उस अपराध मुक्त बिहार का नींव रुपौली की धरती पर रखा जाएगा, क्योंकि जो उम्मीदवार है एक शरीफ सज्जन, एक शिक्षक, ऐसे लोगों को हर समाज के शरीफ सज्जन लोग आशीर्वाद देंगे और एक नई बदलाव की शुरुआत होगी।